इतना ही पुनः कह देता हूं कि वो और हम लोग सब दिन के लिए इनके साथ रहेंगे। बीच में गलती कर दिया हम ही लोगों के यहां का कुछ कुछ लोग। हम लोगों ने तय कर दिया कि ये गलती नहीं, हम लोग तो शुरू में थे। श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और उन्हीं के साथ थे, उनकी सरकार में थे, बाहर भी हर तरह से थे। आई बीच में बेमतलब का कुछ काम इधर उधर लोग कर दिया था। हम लोग कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग पूरे तौर पर इनके साथ रहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक एक काम देश के लिए कर रहे हैं और बिहार को भी पूरी तौर पर मदद कर रहे हैं, इसलिए हर किसी को एक एक बात को समझना चाहिए। आज जमुई में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के दिवस का आयोजन किया गया है। यह बहुत खुशी की बात है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जमुई आए हैं। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही बिहार में माननीय राज्यपाल जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, बिहार के मंत्रीगण, कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के नायक थे जिन्होंने जनजातीय समाज के लोगों के लिए संघर्ष किया था। और आप जानते ही होंगे कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म तो 15 नवंबर 1875 में रांची में हुआ था। तो उस समय तो जो रांची कहा जाता है, आजकल रांची अलग हुआ है, लेकिन उस समय जब उनका जन्म हुआ था और जो उस समय की बात थी, उस समय तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब एक ही साथ था। आजादी की लड़ाई में कुछ दिनों के बाद बंगाल से बिहार और उड़ीसा एक साथ हुआ था, लेकिन उसके कुछ महीने के बाद उड़ीसा बिल्कुल अलग हो गया था, बिहार था। और बिहार के साथ तो आप सब जानते ही हैं, ये सब झारखंड वगैरह सब लोग एक ही साथ था। तो और झारखंड जो है काफी दिनों के बाद ये 2000 में वर्ष 2000 में वो अलग हुआ था। और उस समय केंद्र सरकार ने तत्कालीन आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वही आपको जो कह रहे हैं वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बनाने का निर्णय लिया, वो अलग हो गया। और उसके बाद सब वो अलग है, लेकिन देश की आजादी और आदिवासी समाज के उत्थान में ये जो भगवान बिरसा मुंडा का बड़ा योगदान रहा है। अब वे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उसी समय उन्हें जेल में डाल दिया गया था। और 1900 में जब उनकी उम्र 25 साल हो गई थी तो उनको जेल में जो डाला गया था उनका निधन हो गया था। एक बात अलग है, लेकिन ये सब मानते हैं कि अच्छी बात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन का जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो इस साल भगवान बिरसा मुंडा का करीब करीब 150 साल वर्ष हो गया है। तो साथ ही जनजातीय क्षेत्र विकास के लिए ये उसके साथ साथ इन सब चीजों के अलावे, यानी जो जनजातीय गौरव दिवस उस सब के अलावे, तो बिल्कुल जनजातीय क्षेत्र विकास के लिए श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी 6600 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।
ये तो मैं इनके लिए अभिनंदन करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ इतनी बड़ी संख्या का सब काम यहाँ करवा रहे हैं और यहाँ पर आकर के इन्होंने कहा है, और अभी एक एक जगह एक एक चीज को उन्होंने खुद भी देखा भी है और ये काम भी किया है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं और उनको मैं अब उनका अभिनंदन करता हूँ। और आप लोगों को हम एक बात बता दें कि हम लोग तो बिहार में 2007 में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाई है, पटना में ही हम लोगों ने लगाया बिहार सरकार द्वारा। हर साल भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन जो 15 नवंबर को माना जाता है को राजकीय समारोह का रूप में आयोजन किया जाता है, आज भी वहां पर सब काम हुआ। तो बिहार में वर्ष 2005 से एनडीए की सरकार हम लोगों की सरकार बनी और तब से हम लोगों ने जनजातीय विकास के लिए बहुत सारे काम किए। तो अब तो आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः मैं अभिनंदन करता हूं, और इसके साथ आए हुए बिहार के महामहिम राज्यपाल माननीय राज्यपाल महोदय और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी अतिथियों का, और मैं आभार व्यक्त करता हूं इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं। और इसके लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हैं वो आपको सब बहुत सारी चीजों की और हर चीज की, और यहां पर भी आकर के जितना काम इन्होंने करवा दिया है और इन सब चीजों के बारे में आपके बीच में आए हैं, तो ये सब तो आप सब लोगों को उनकी बात से एक एक चीज की जानकारी होगी। और मैं इतना ही पुनः कह देता हूं कि वो और हम लोग सब दिन के लिए इनके साथ रहेंगे। बीच में गलती कर दिया हम ही लोगों के यहां का कुछ लोग, हम लोगों ने तय कर दिया कि ये गलती नहीं, हम लोग तो शुरू में थे। श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और उन्हीं के साथ थे, उनकी सरकार में थे, बाहर भी हर तरह से थे। आई बीच में बेमतलब का कुछ काम इधर उधर लोग कर दिया था, लेकिन ये सब संभव नहीं है। आप कभी भी नहीं, हम लोग शुरू से ही काम कर रहे हैं। आपको पता है 1995 से हम लोग साथ रहे हैं और एक एक तरह से सब तरह से जो कुछ भी हुआ काम हुआ, तो इसलिए हम लोग कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोग पूरे तौर पर इनके साथ रहेंगे और ये पूरे देश का भी काम कर रहे हैं और बिहार के लिए भी इन्होंने काफी कुछ किया है। अब जहां कहीं भी जाते हैं वहां पर कुछ न कुछ और करवा देते हैं। अब यहीं पर आए हैं अभी कुछ देर के लिए और यहीं पर इतना इन्होंने कर दिया, तो इनका स्वागत है, इनका अभिनंदन है और हम लोग बिल्कुल तौर पर इनके साथ हैं। अब बहुत खुशी की बात है कि आज यहां पर पधारे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और आप सब लोग जो हैं, मैं यही कहूंगा कि हम सब लोग एकजुट रहें और सब दिन के लिए साथ रहें, तो आप लोग उनका अभिनंदन करिए। तो जरा एक बार हाथ उठा के बताइए, उनका अभिनंदन पूरा करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।